सामने आ गया है बिग बी का एक बड़ा गेम जो हॉरेंडस है या नहीं ये आप तय कीजिएगा। लेकिन पहले बच्चन फैमिली की वो नई लीला तो देख लीजिए जो बनने जा रही है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर आई तमाम रीसेंट न्यूज में सबसे बड़ी खबर। ये खबर है एक बड़े पैचअप की। No, this is a wonderful family and a fraternity. I don't have any issues with anyone. हालांकि बिग बी ने ये बात काफी पहले बुड्ढा होगा तेरा बाप की रिलीज के वक्त कही थी, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि रिसेंटली बिग बी के कई पैचअप एक एक करके सामने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिग बी के सबसे ताजा पैचअप की, जो एक रीसेंट अवार्ड नाइट से निकल कर आया है। जहां मौजूद लोगों की माने तो ये अवार्ड नाइट बिग बी और डायरेक्टर मधुर भंडारकर के पैचअप की गवाह बन गई। इतना ही नहीं, कैमरा तो मधुर और अभिषेक बच्चन के एक दूसरे को हग करने के इस नजारे को भी कैद करने में कामयाब हो गया। वहीं रिपोर्टेडली बिग बी यहां मधुर भंडारकर से काफी देर तक बातचीत करते नजर आए। इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि शायद बिग बी और मधुर के बीच आई वो कड़वाहट खत्म हो गई है जो फिल्म हीरोइन से ऐश्वर्या के बाहर जाने के बाद शुरू हुई थी। लेकिन ये तो बिग बी का सिर्फ एक रीसेंट पैचअप है। पिछले कई दिनों में लगातार बिग बी एक के बाद एक कई सारे पैचअप करते आए हैं। फिर भले ही वो मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ प्रदर्शन के वक्त से राज ठाकरे के साथ उनकी तनातनी हो या फिर पिछले कुछ सालों में अमर सिंह के साथ नजर आती रही बिग बी की दूरियां, बिग बी आजकल सारे डिफरेंसेस को खत्म करने में लगे हैं। रिसेंटली एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर के घर वेडिंग रिसेप्शन में जब बिग बी पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात अमर सिंह से हो गई। रिपोर्टेडली बिग बी ने देखते ही अमर सिंह को गले लगा लिया। फिर भले ही अमर सिंह पिछले दिनों जया बच्चन और बाकी बच्चन फैमिलीज को लेकर कुछ भी क्यों ना कहते आए हों, यहां भी बिग बी के बाद अभिषेक अमर सिंह को हग करते हुए कैप्चर हो गए। वहीं पिछले दिनों राज ठाकरे की पार्टी का ऑर्गेनाइज किया हुआ वो इवेंट तो आपको याद ही होगा जहां बिग बी पहुंचे थे पैचअप करने के लिए। त्यांनी मला सांगितलं, अमिताभजींनी हो म्हणून सांगितलं, म्हटलं पक्षाचं नाव सांगितलं त्या कार्यक्रमाला मी येणार आहे सांगितलंय का। लेकिन खुद राज ठाकरे की चुटकी और अबू आसिम आजमी के विरोध के बाद बिग बी का ये पैचअप एक पॉलिटिकल मैसअप में बदलते बदलते रह गया था। इसके बावजूद बिग बी की कही हुई ये बात बार बार साबित होती रही है कि वो किसी भी तरह के मैसअप की बजाय पैचअप में ही ज्यादा भरोसा रखते हैं। कभी इस इरादे से नहीं करना चाहिए कि उसे मुझे दिखाना है कि मैं जो ना आपने कहा था वो उसका मैंने विपरीत किया, बल्कि कभी आपको आगे मौका मिले तो उनको अपने साथ जोड़िए। अपनी बात पर अमल करते हुए बिग बी बॉलीवुड पॉलिटिकल एंड बिजनेस वर्ल्ड में भी सभी से पैचअप करते रहे हैं जिसकी तस्वीरें भी सामने हैं। इस कड़ी में कमी है तो बस एक पॉलिटिकल फैमिली से उनके पैचअप की तस्वीरों की, जो है गांधी फैमिली। बिग बी भले ही राहुल गांधी और अभिषेक बच्चन को दोस्त बताते आए हैं पर अब तक उस पैचअप की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। पर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।